नमस्कार मंतव्य को स्वागत करछु मु शक्ति जो भली भाव में प्रतिरक्षा संपर्कित गुप्त तथ्य चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी लीक होता एवं तार तदंत चली किंतु सबुठ बड़ प्रश्न जे जो भली भाव में ट्राप कर किसी ठिका कर्मचारी और जरिया तथ्य लिक् कर से ट्राप पचर हनी किए जहाँ को खोजुची एवं क्राइम ब्रांच एवं जहाँ तथ्य आसी जो सूचना देखते क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा जे दुबई रु टंका ट्रांसफर होता जड़े अभियुक्त अकाउंट को 38,000 टंका लेखाएं दुई थर ट्रांसफर हो फेसबुक मेसेंजर व्हाट्सएप जरिया तथ्य आदान प्रदान होता प्रथम बंधुता स्थापन करूला हनी बा संपृक्त युवती जहाँ को खोजुची एवं क्राइम ब्रांच जहाँ को खोजुची भारतीय प्रतिरक्षा विभाग जे कि बंधुता स्थापन करी चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी ठिका कर्मचारी मान फसाऊला और जरिया पैसा दे कि तथ्य आदाय करूला एवं यूके रे नंबर से व्यवहार करूला वर्तमान ताकू खोज क्राइम ब्रांच हनी सिना ट्राप करदे ठिका कर्मचारी को तथ्य नहीं गला किंतु हनी को ट्राप करवा क्राइम ब्रांच पाई केते सहज हे ये हूँ बड़ा प्रश्न सेपटे एयरफोर्स तरफ तदंत चली पचराउचरा चली अभियुक्त मानक तो प्रतिरक्षा विभाग एवं प्रतिरक्षा जो संस्था रही गवेषणा संस्था चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी सुरक्षा उपर गोटे बड़ प्रश्न चिन्ह छिड़ा कर प्रसंगे रही आज मंतव्य मो सहित अच्छा मो सहयोगी रोशन रथ एवं बालेश्वर जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संजय महालिक प्रथम रोशन को पाखु जावाक चाहिए किंतु ता पूर्व शुणा कौन कहते एडीजी क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा आसतु प्रथम शुण नवा दुबईर एक अकाउंट रु जे अभुक्त को दुई किस्ती 38,000 टंका बैंक ट्रांसफर होकर फाइनेंशियल ट्रांजाक्शन अधिक जेरा जारी रही एपर्तंत तदंतर जमापड़ी जे जड़े महिला ऑपरेटिव जे देशर विभिन्न अंचल एवं विभिन्न नाम परिचय दे फेसबुक मध्यम संपर्क स्थापन करते से सहित फेसबुक मेसेंजर जरिया चैटिंग करते सब्सिक्वेंटली व्हाट्सएप मध्यम चैटिंग कर खबर आदान प्रदान करते यही प्रोसेस रे से गोटे यूके रो टेलीफोन नंबर व्यवहार करते तेणु से महिला आमर अधिका तदंत आम करश्चित भाव एवं यही प्रोसेस रे एयरफोर्स रो गोटे टीम आसी मध्य दुई दिन धरी से जेरा करतमान आम जो टेलीफोन गुड़िक मिली तार फोरेन्सिक आनालीसीस लैबोरेटरी को पठेबू एवं अभियुक्त मैंने अन्य को मोड्रे बैंक आउ टंका नहीं कि नहीं सेटा मध्य आम अधिक तदंत करू जो हनी बा जो महिला बारंबार निजर ना बदल विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थार कर्मचारी मानक फसाऊ बंधुता स्थापन करुले ट्राप करू तथ्य आदाय करे दुबई रु रही पैसा पठाऊला जे यूके रा फोन नंबर यूज करूला से हनी को धरवा केतेज हे क्राइम ब्रांच पर ये हूँ गोटे बड़ चैलेंज वर्तमान स्थिति में मुँ आसि संजय बाहाली पाखु आसवाक चाहिए आम प्रतिनिधि संजय क्राइम ब्रांच तदंत करपटे एयरफोर्स टीम आसी तदंत करे आग को ए घटना रे गिरफ्तारी संख्या बढ़ी पारे अधिक कर्मचारी संपृक्ति कथा सामना को आसी पारे ओके संजय सहित जोगाजोग पार नहीं रोशन रथ आम प्रतिनिधि अच्छा न्यूज रूम रे रोशन एटा के बड़ चैलेंज हे वर्तमान क्राइम ब्रांच पर जे जो हनी बा जो महिला कथा कह जा महिला पर्यंत पहुँचापी क्राइम ब्रांच कहते हैं चेस्टा करता पहुँचवा जे दुबई रु रही अपरेट करूला तार विभिन्न देशर विभिन्न संस्था सहित जो प्रतिरक्षा संस्था गुड़िक रही कर्मचारी को जे फसाऊला फेक आईडी कर तो ताकू धरिबा केते चैलेंज हे वर्तमान केते सहज हे क्राइम ब्रांच पाई
देखो निश्चित भाव में प्रथम तो आम जब देखा जो भाव में डीआरडीओ रु तथ्य लीक घटन प्रथम चारज अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्त कर ड्राइवर को गिरफ्त कर आज जो क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंजा जो बयान आसूर गोटे प्रकार स्पष्ट होकर जड़े महिला हनी ट्राप्रे पड़ते से जड़े ही महिला ए समस्त सहित भिन्न भिन्न तार ना बदल भिन्न भिन्न परिचय दे समस्त सहित कथा मेसेंजर एवं फेसबुक जरिया चैटिंग चली भितर मेसेंजर फेसबुक यही माध्यम ही किसी गुप्त तथ्य महिला जनक देखते जहाँ अनुमान करपटे पूरा घटन जदि आम देखा आउ किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य आज सामनाक आज भाव में सात दिन रिमांड निर्तने माराधन पचरा उचरा करसबू भितर तदंत भितर जड़े अभियुक्तर बैंक आकाउंट को दुई थर 38,000 टंका आसी दुबई रु तेणु आउ गोटे कथा आम जब कहीपर जहाँ क्राइमब्रांच एडीजी सूचना देते जो महिला जनक एम सहित लिंक थे सहित जे चैटिंग करते पांच अभियुक्त सहित से यूके गोटे मोबाइल नंबर व्यवहार करते तेणु बर्तमान आम जब देखा प्रथम थर क्राइमब्रांच पुलिस को तदंत भार दिगला ओडिशा पुलिस तरफ ओडिशा पुलिस तदंत कर एनआईए रुईजिया टीम आसते घटन छानभिन करते कि बर्तमान एयरफोर्स टीम आसी ये घटन तदंत कर पचरा उचरा कर बर्तमान क्राइमब्रांच सबुठ बड़ चैलेंज हम जे ये हनी ट्राप्रे क्यों महिला संप्रत अच्छा आइडेंटिफाए करवा से बर्तमान क्यों से स्थान चिन्हट करवा पहुँचवा बास्तव में से महिला जनकर कौ देश सहित लिंक अच्छी कौन से आतंकवादी संगठन सहित लिंक अच्छी ना पाकिस्तान किंवा बांग्लादेश भाई अन्य कौ देश सहित से महिला जनकर लिंक अच्छी से कौन से देशर एजेंट कि से सब विषय में बर्तमान क्राइमब्रांच तदंत कर बड़ कथा हो मोबाइल में गुरुत्वपूर्ण तथ्य रही पांच अभियुक्त मोबाइल तेणु मोबाइल रु किसी तथ्य मेल जरिया हो कि वीडियो कॉल जरिया हो कि व्हाट्सएप कॉल जरिया एमाने जो चैटिंग करछंती वीडियो कॉल रे कथाबार्ता होती कौन कौन तथ्य एमाने देइछंती किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य देइछंती कि से सबुर जांच पई वर्तमान एमानक फोन को फोरेंसिक लैबोरेटरी को क्राइमब्रांच पठेबो सेठू हुए तो किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिल पारे एवं ता भितरे आमे जदि देखिबा निश्चित भाव में बर्तमान तो ये पांच अभियुक्त आउ किछि दिन मध्य जेरा करा जिवो तांकुटु किछि तथ्य बाहर करा जिवो एथिरे आउ केही केही संप्रुक्त अछंती कि डीआरडीओ रे करथुबा काम करथुबा कर्मचारी को भितरे तार छानबीन करा जीवो निश्चित भाव में रोशन सेटा ही सब बड़ा प्रश्न जे से हनी पर्यंत केमिति पहुंचे क्राइमब्रांच पहुंची पार कि ना कारण से जो भली भाव में अति चलाकी ढंग से ना बदल कि समस्त सहित संपर्क रखुला और से फसईक तथ्य आदाय करुला दुबई रू जी कि अपरेट करुला तो ताप्त क्राइमब्रांच पहुंची पार कि ना एवं संप्रति रही ना संजय बहाली कम प्रतिनिधि अच्छा बालेश्वर संजय ए घटन केवल ए पांच के भितर सीमित रंच ही केवल संप्रक्त अच्छा तथ्य लिक घटन ना संख्या अधिक बढ़ी पारे एयरफोर्स समांतराल भाव में तदंत कर पचराउचरा कर तो किसी नुआ दिग नुआ तथ्य किसी सामना को आसूची कि वर्तमान सुधा तदंतर देखु शक्ति साई जितेबले प्रथम जो चारिज जो ठिका कर्मचारी थे जो मानक गिरफ्त करागला तापस नायक हेमंत मिस्त्री बसंत बेहरा और शेख मुसाफुर ये चारिज थे अभियुक्त को गिरफ्त करागला ता परवर्त समय जो स्थायी कर्मचारी ना आसा और पचराउचरा करू करू जो अधिक तदंत होता और गिरफ्त कर ठीक से ही घटनास्थल में जो तार किदिन पर क्राइमब्रांच तदंत आसी तदंत भार जी उठे प्रशांत विश्व थे सी तदंत देखिथिले जे जो निकटरे जो अच्छा सामुद्रिक बेलाभूमि जो अच्छी चांदीपुर बेलाभूमि निकट में किसी बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी अच्छा घटना सहित सामंजस्य अच्छी से तदंत पचराउचरा करवर्त मुहूर्त में जानवाक मिलता जितर कौन अनुप्रवेशकारी जो रही सहित किसी सामंजस्य थपे तेज निश्चित भाव आहरी जो एनआईए रो दुईजिया टीम तदंत करुँ बर्तमान समय जहाँ सूचना आयरफोर्स टीम तदंत भार पचराउचरा करने बर्तमान पहुंचती तेज निश्चित भाव में आगामी दिन में आहरी यो घटना सहित जड़ित तो अधिक जो कर्मचारी कथा कहतु ठिका एवं स्थायी कर्मचारी कथा कहतु ताकू छाड़ीदे जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी okay. निश्चित भाव में कौटि ना कौटि संपर्क थी जो जहाँ जानवाक पाई क्राइमब्रांच आगामी दिन में यह स्पष्ट होमान संजय मुसबी परवर्त समय आपको सहित जोड़ी होती प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नेल बीके बस्तिया कर्नेल बस्तिया जो भाई भाव में ये बर्तमान खुलासा हो दुबई रु जे युवती जेकि छद्मवेश
विभिन्न ना बदल सहित चैटिंग करुले टंका पठाउले बैंक आकाउंट को अभियुक्त मानकर दुई दुई थर ट्रांसफर हो यूके फोन नंबर व्यवहार करुले क्राइम ब्रांच तदंत करुछि एयरफोर्स तदंत करुछि तो से हनी पर्यंत पहुँचवा एटा केते दूर केते सहज हबा एवं द्वितीय कथा होउछि कर्नल बस्तिया जे कर्मचारी मानू प्रतिरक्षा विभाग रे माने ठिका कर्मचारी हूँ बा स्थायी कर्मचारी हूँ ताक पर्यंत पहुँची जाउछंती गुप्तचर तो एटा केमिति संभव हो पारुछि एवं एकु रोका जाय पारिबो केमिति बारंबार एभली घटना एभली अभियोग सामना को आसुछि देखु प्रथम जो हनी ट्रैप युवती ता अत्यधिक गुरुत्व दिंतु ना सी गोटे जस्ट मिडिल मैन जमी गोटे हैंडलर से जमी हैंडलर जन यूपी रु भी धरा पड़े जन हैंडलर जी पैसा पठाऊँ कि अने जगह पैसा पठ यार मुख्य मानने मेन हूँ आईएसआई पाकिस्तान आईएसआई जी कि जहाँ को ये इनफर्मेसन दरकार आपत भावत तो इनफर्मेसन क्या दरकार ये जिते हाई प्रोफाइल एसपीओनेज के भारत डिफेंस सांगे रिलेटेड एपर्यंत हो सबुर मुख्य कारण है पाकिस्तान आईएसआई आईएसआई को इनफर्मेसन दरकार डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट कि मिसाइल रॉकेट्स कहार सब डिटेल्स ताकि से काउंटर करें मानने युद्ध समय तो काउंटर करें कि आम देश प्रति क्षति पहुंचे पारे यही जो युवती है कि विभिन्न हैंडलर बांग्लादेश कि यूपी है भारत कौन जगार है जो मान जो मान थ्रु से गोटे मध्यम खाली थ्रुए पैसा आसू इनफर्मेसन टाक थ्रुए नि तेणु जो युवती जमीती एमती बहुत केस आगु भारत में विभिन्न डिफेन्स एस्टाब्लीशमेंट रु इवेन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स जेसीओस जवान एम से ट्रैप कराई मैंने करफर्मेसन सब एक्वायर करेणु युवती तो कौटी थी कही हेनी से यूके नंबर अच्छे से हे तो पाकिस्तान थीपे कौटी सी खाली जस्ट गोटे मध्यम से गोटे किंतु मेन हूँ आईएसआई सिमिलरली ये जो इनफर्मेसन से मैंने जो अपन जो सेकंड क्वेश्चन जो पचारे जे ये जो लोअर लेवल एम्प्लॉज जो मैंने हाँ ये सहीटा से मत जिते दूर आशा कि कौन सी टॉप सीक्रेट कि बहुत सेंसिटिव इनफर्मेसन लिक हबार चांस बहुत कम या थ्रुए कारण यार एक्सेस ना ये जो अपरेटर सब ये डीजेल जेनेटर अपरेटर है कि सीसीटीवी कैमेरा अपरेटर है कि आपणकर एसी एयर कंडीशनर ऑपरेटर है इमाने कौन एत सिक्रेट टॉप सिक्रेट इनफर्मेशन जोड़ा कि जमी धरतु गोटे मिसाइल टेक्निकल डाटा सब तार जिते प्रकार डिजाइन पारामीटर्स है तार सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम है युव एक्सेस कर बहुत डिफिकल्ट ये सब बहुत सीनियर ऑफिसर मान पाखे थाए कि साइंटिस्ट मान पाखे थाए कर्नल बस्ते प्रश्न उठू कौन हासिल करने चाहूले हैंडलर मध्यम विदेशी राष्ट्र शत्रु राष्ट्र आईएसआई क्या जब सीधा साल कह कौन हासिल करने चाहूंगे कहीं अर्थ दौले पर अर्थ चेष्टा तो देखो चेष्टा कर इनफर्मेसन मिल पारा लंच पैड लंच स्टेशन कि जो लंचर जो ता विषय कि जितेबाला मिसाइल लंच हो तार पर्टिकुलर तार सब पारामीटर सब युवा जो गुड़ाक एक्सटर्नाली जो गुड़ाक मैंने दूर थी कि किंबा किसी इनफर्मेसन जो गुड़ाक जो गुड़ाक अच्छी कौन से सब मान नहीं पारे जो गुड़ाक डीआरडीओ ये जो बालेश्वर चांदीपुर जा कहना सब इनफर्मेसन प्राय एठार न थाए से सब से सब अणा जाए जो से बहुत टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट से सब एमती केयरलेसली एठे सेठे रखी हुए नहीं तो एक्सेस कर मत कहीं अनलेस सम सीनियर ऑफिसर जदि चांदीपुर इंटीग्रेटेड मिसाइल ये सेंटर जदि कौन सीनियर ऑफिसर किंबा सीनियर साइंटिस्ट जदि एथे इन्वॉल्व थाई पारंती ताहले यस ताहले कारण से माने इतिकी टॉक जमी जो मुझे शुणु आपंकर एथ तीस हजार चालीस हजार टंका दे कि कहीं कौन सी इनफर्मेसन देवे ना यहाँ कोटि कोटि टंका खर्च करा पड़ो तेणु यू एत सहजे हो न तेणु मत मोर आशा कि कौन सी बहुत टॉप सीक्रेट इनफर्मेसन जा एयरफोर्स जो मिलिटरी इंटेलिजेंस टीम आसी मेन उद्देश्य है कौन कौन कंप्रोमाइज होतीका कर्मचारी पर्यंत जिते पहुंची जाती हैंडलर तो जो माने रही सीनियर पोजिशन जो रही प्रतिरक्षा विभाग अधिकारी रही पर्यंत पहुँचवा भी किसी मुस्किल नुहे तो यहाँ ये आशंका को केते दूर आप देखुं ये आशंका थीपे से संप्रति थीपे से पर्यंत एक्सेस करते हैंडलर देखो तो असंभव किसी नुहे किंतु चांस बहुत कम आशंका बहुत कम कारण देखो तो जो मैंने से सब रैंक था सीनियर ऑफिसर्स रैंक सब एत शीघ्र देश से
ଲୟାଲିଟି ତାଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କି ଏ ପାଇଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ଲୋ ଲେବଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫସେଇ ଦେଇ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଥାଇପାରେ ତ ଅଟୋମେଟିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି କିଏ ଥିବ କିଏ ନଥିବ, ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଠୁ ଅଧିକ ଏଇଟା ଏତେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ ଯଦି ତାକୁ ମନା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା କଥା। ଇଏ କେବଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସିଆଇଡିଆକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତଥ୍ୟ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ମୁସ୍କିଲ, କାରଣ ଇଏ ବାଂଲାଦେଶ ଥ୍ରୁରେ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଏଥିରୁ ପଇସା ଆସୁଛି ବା ଦୁବାଇରୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବେଟର ହବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏମାନେ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ। ଓକେ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ ଆପଣ ରହିବେ ଆମ ସହିତ। ଯେଉଁ କଥା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁବାଇ, ୟୁକେ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଏ ସବୁର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଦୂର ସେ ସବୁର ଡିଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ଦୂର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ତ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ଏହି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନା ଆହୁରି ବଡ଼ ମାଛ ବି ବା ଯେଉଁମାନେ ଉପରସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ବଡ଼ ଧରଣର ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଇଛି କି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକାର ସମୟରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ହନିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହନି ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ହନିକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହନି ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତବ୍ୟର ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ତ ଟ୍ରାପ୍ ପଛର ହନି କିଏ, ଟ୍ରାପ୍ ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, କାହା କିଏ ଡିଆର୍ଡିଓର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କେତେ ଦୂର ରହିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଅସମାହିତ ରହିଛି। ରୋଶନ ରଥାବ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପରିଧି ଭିତରେ ଇଏ ଆସିପାରିବନି, କାରଣ ଇଏ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି, ଏନ୍ଆଇଏକୁ ତଦନ୍ତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ କଥା ଆସିଲାଣି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେଭଳି ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତା ନିଆଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏନ୍ଆଇଏର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେଇଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରାପ୍ ଥିଲା ଏହା ପଛରେ, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଦେଶକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପଠାଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଥିବି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଆଇଏର ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ଯିଏ ଥିଲେ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ଯେମିତି ବିଦେଶୀ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏ ନେଇ ଏନ୍ଆଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାମ କରୁଥାଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁବାଇରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଉଛି, ୟୁକେର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଆଇସିଆଇ ସହିତ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଏବଂ କେମିତି କରି ଯଦି, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି
देखा देश बाहर को जाकि तदंत करवा क्राइम ब्रांच पे इजी हो न था कि घटन आम जब देखा एनआईए रेस्ट भूमिका थाए से एक्सपीरियंस थाएं यू जिनको इजिली हैंडल करती तेणु गोटे नेशनल एजेंसी एनआईए जार अभिज्ञता रही है आतंकवादी कार्यकलाप कि जो मैंने भी ये ट्राप फसुंच इन्वेस्टिगेशन करार पाखे बेस भूमिका रही पावर से रही मेन पावर रही तेणु तर नवर बर्तमान आवश्यकता अच्छी एनआईए को यथाशीघ्र हैंडओवर करार अच्छी मामला हस्तांतर करार अच्छी जहाँफल कि चेर पर्यंत पहुँचवा हुए तो संभव हो पारे बात दूर क्षति पहुँचाई एमने से कथाटा सामना को शीघ्र आसीज जोटा कि क्राइम ब्रांच हुए तो बड़ मुस्किल पाठ हो पाए संजय महालिक एवं कर्नल बस्तिया सहित जोड़ी होती मुझे संजय पाखु जावाक चाहिए संजय ए घटना सामना को आसवा पर जो माने ठिका कर्मचारी तो स्कानर में वर्तमान अधिक रखा जाऊँ कि आउ केमती ये एभली चूक हम ना तो से नहीं कौन पदक्षेप निया जाऊँ किसी खबर आसूची देखु शक्ति साई जो ठिका स्कान ठिका कर्मचारी कथा कहते निश्चित भाव आम कहीपर 2015 मसीह ठीक यही भाव में जे ईश्वर बेहरा थे ठिका कर्मचारी भाव में फटोग्राफर थे डीआरडीओ रे ठीक यही भाव में आईएसआई एजेंट जो ट्राक करते विभिन्न समय टाँव विदेश फंडिंग कराला तहार 6 वर्ष पर ठीक एवं जो घटना सामना को आपत देखिपे 4 जन को जो भाई भाव में गिरफ्त कराला जड़े स्थायी कर्मचारी को गिरफ्त कराला तेज निश्चित भाव में आम कहीपर बारंबार जो भाई भाव में ठिका कर्मचारी को टार्गेट कर आईएसआई एजेंट तथा पाकिस्तान गुइंदा संस्था मैंने निश्चित भाव में आहरी जो ठिका कर्मचारी जो चयनकर्ता रोचान बा जो मैंने से मूँ कार्य जोगदान कराऊँचे आहरी कड़ाकड़ी करार अच्छे कि भाव में चयन कराऊँचर पूरा डिटेल्स क्राइम डिटेल्स बाहर करार अच्छी पूर्व ना कौन अभोग अच्छी कि ना से कौली स्वभाव समस्त समस्त दिगरे ध्यान दे निश्चित भाव में यहाँ पर ध्यान दे आहरी सुरक्षा कड़ाकड़ी कर आगामी दिन में यही जो घटना देखा मिली निहाते भाव में ओके ओके कर्नल बस्तिया आम सहित अच्छा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नल विके बस्तिया कर्नल बस्तिया आप प्रतिक्रिया जानक चाहिए जो कथा संजय कहते जे ठिका कर्मचारी मानक जिते बड़े निजुक्ति दि जाऊँच ठीक भाव में स्कानिंग कराऊना बैकग्राउंड को चेक कराऊना कि जो कि घटना घटू से अल्प टकर लोभर वशवर्ती होकर सिक्रेट तथ्य से हस्तांतर करोगाजोग आसुंच नहीं नहीं देखो मुझे सहमत नुहे कारण जितेबले युव एस्टाब्लीशमेंट डिफेन्स एस्टाब्लीशमेंट खास करोसी चाहे टेम्पररी हो परमानेंट रे तो निश्चित भाव में पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इवेन टेम्पररी जो मैंने ये टाइप ऑपरेटर सब रही निश्चित भाव में मो जानवर तार से मैंने निश्चय पुलिस वेरिफिकेशन मगुवे हुए तो जितेबले से भर्ती होती रिक्रुटमेंट होती समय क्यारेक्टर भल थी से कौन परवर्त मुहूर्त से टार लोभर आसमती कर देख आज करपसन गोटे जिनस जोटा करपसन आजिकल आप ठिका कर्मचारी कथा कौन बड़ बड़ मंत्री आईएस अफसर बड़ बड़ सीनियर अफसर मैंने देश देश मानने क्षति पहुंचा तेणु एत छोट धरण मान जो मैंने इतने कम टकर चाकरी कर माने सेठे आसी काम करुछंती सेमानकु लोभ देखेकरी तांको माने तांको माइंड चेंज करिया किछ बड़ कथा नै सेमाने एटी देशर सुरक्षा बाजीरे लागुछि तो हां सेइटा सेथि पई जेमते देखंतु मिलिटरी ट्रेनिंग जो हमर से ट्रेनिंग एते जीरो को जणे लोक को से मल्ले ता जीवन भी दबा कर आजी होछि किंतु देश संगे धोखा करबो नै सेइ टाइप रो किंतु एमानकु अपन सेइ जिंसटा एक्सपेक्ट करिवा एकठो आशा करवा डिफिकल्ट एथरु माने आपण जेमती कहले तार समाधान कौन समाधान तो बहुत मुश्किल कारण किए केते बळे चेंज हबो टंका पई किए केते माइंड तार चेंज हबो ताको किए माने गारंटी दे परिबेनि यस तार पुलिस वेरिफिकेशन ताको मॉनिटर करबा एटा एस्टेब्लिशमेंट रो काम जों एस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ रो जो एस्टेब्लिशमेंट सेठे अछि दुटा को प्रूफ टेस्टिंग सेंटर अछि आ आईटीआर अछि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज अछि जो जो कथा आपण कहतुले पूर्वरु जे जे हैंडलर बा जो हनी जहाँ माध्यम रे ट्राप करा जाए तो ता पछरे पड़वाटा अनावश्यक जोटा के क्राइम ब्रांच वर्तमान कहे जे आमे वर्तमान उद्यम करछु ताकु धरिबा पाई जे कि ऑपरेट करथुला एमानकु सेटा अनावश्यक वर्तमान स्थिति रे आपनकु लागुछि नहीं अनावश्यक नहुते मु अनावश्यक कहि नै मु कहली ता पर
ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କଣ ତାକୁ ଧରିବେ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ମିଳିବନି ଏଣ୍ଡରେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ, ତାକୁ ସିଏ ଜାଣିବି ନଥିବ ଆଇଏସ୍ଆଇ ର କିଏ ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି, କୋଉ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ତାକୁ ଦଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଖାଲି। ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା କେସ୍ରେ ଯୋଉ 2015 ଏସ୍ପିଓନେଜ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ତା ପାଖକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଆସିଥିଲା, ଭାରତରୁ ଆସିଥିଲା, ଦୁବାଇରୁ, ୟୁଏଇରୁ ଆସିଥିଲା, ଇଭେନ୍ ଦୁବାଇରୁ ବି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ତାକୁ କୌଣସି ଆଉ ମେନ୍ ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କଲିକତାରେ ଥିଲା, କଲିକତାରେ ସେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି 1-to-1 ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦଉଥିଲା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦଉଥିଲା ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ ହଉଥିଲା ତାର ସବୁ ଫଟୋ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା କେହି ଗୋଟେ ଧରା ପଡିଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ତାପରେ ଆଉ ଧରା ପଡିଲା ନା, ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଧରା ପଡିଲେ ନା, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର କିଏ ଧରା ପଡିଲା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଅସଲ ଲୋକ ବସିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ, ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଆ ପଛରେ ମାନେ ମେନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ ତ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଲିଙ୍କକୁ କେମିତି କଟାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସ୍ତିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ରୋଶନ ରଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏକୁ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଛି କି, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଦୂର ଯାଇକି ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଏଠି, ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିକି ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଏବଂ ଏ ଲିଙ୍କକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ହେବ ନା, ଏନ୍ଆଇଏକୁ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚୁକ୍ ହୋଇଛି, ତ ତାପରେ ବି ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ସମୟ ହେଉଛି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।